अरे मैं कहाँ कर रहा हूँ नहीं बना रहे, लेकिन कर क्या रहे हैं? आपने देखा कि 5 सालों में राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति का क्या लगा कि इस देश में कोई राष्ट्रपति है भी? मैं एकदम खुल के कह रहा हूँ, प्रतिनिधित्व दे रहे हैं ना। अरे भाई, ऐसे राष्ट्रपति की क्या जरूरत है जो देश के किसान, मजदूर, नौजवान के बारे में एक शब्द न बोल पाए? मैं ये कहना, आज आदिवासी की का मामला है, आप जानते हैं कि जंगलों से आदिवासियों को मार के भगाया जा रहा है, उनको निकाला जा रहा है, और चुनाव आने वाला है 2024 का, करोड़ों आदिवासी हैं, तुमसे उनको तो फायदा लेना है ना। आप दिखा रहे हैं, कह भी रहे हैं कि हमने देखे दलित, ये जो नैरेटिव चल रहा है देश भर में किस तरफ जा रहा है देश? देखिए, ये जो नैरेटिव चल रहा है इस देश में, जिस तरीके से एजेंडा चलाया जा रहा है, देखिए इस देश में एजेंडा चलाने वाले कौन है? मीडिया एजेंडा चलाती है, सरकार का जो एजेंडा है ये मीडिया चलाती है, और जो मीडिया दिखाती है वही जनता देखती है, वही समझती है। आज भी इस देश की जो पब्लिक है, जो किसान मजदूर, जो आम आदमी है, वो मीडिया बहुत भरोसा करती है, लेकिन आज जो मीडिया है जस उसका फायदा उठा रहा है। क्योंकि आपकी नज़र में क्या करना चाहिए सर? सरकार जो कर रही वो करे, अगर सरकार को किसानों के लिए करना होता, मजदूरों के लिए करना होता, तो यहाँ पे लोग बैठ करके धरना नहीं देते, उनका काम हो गया होता। सरकार केवल पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, कॉर्पोरेट घराने के लिए काम कर रही है। वो तो सारी सरकारें करती है पूंजीपतियों के, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, करती है, लेकिन इस तरीके से नहीं करती कि देश को बेच करके पूंजीपतियों को दे दिया जाए, ऐसा नहीं करती थी। देश पहली बार थोड़ा ही बेचा जा रहा है, बात आपकी सही है, पहली बार नहीं, देश की जो सरकारी संस्थाएं पिछली सरकारों ने कुछ प्राइवेट कंपनियों को दिया है, इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर की चीजें हैं जिससे आम आदमी को फायदा होने वाला है, अभी आपने देखा कि स्टेशनों को, रेल को भी बेच दिए, जिससे लोग सफर करते थे सस्ते दरों में, उसको भी आपने महंगा कर दिया, आपने प्लेटफार्म टिकट 50 रुपए 100 रुपए कर दिया। कहा जा रहा बड़ा बदलाव आ रहा है देश में, भाई बदलाव तो आ ही रहा है भाई, डीजल पेट्रोल में बदलाव आया कि नहीं आया? जो 60 रुपए का पेट्रोल था वो 100 रुपया हुआ कि नहीं हुआ? जो महंगाई थी, जो 100 रुपए का जो कड़ू तेल था 200 रुपए हुआ, बदलाव आया कि नहीं आया? जो डॉलर रुपए के मुकाबले बढ़ा तो बदलाव आया कि नहीं आया? जन खत्म हुए, बदलाव आया कि नहीं आया? विश्वास बहुत करते हैं भाई, क्यों नहीं करेंगे? मोदी इतना अच्छा बोलते हैं इस देश में, तो भाषण भी की कमी तो है नहीं, और मोदी जैसा भाषण भी इस देश में पूरी दुनिया में नहीं मिलेंगे, आप जानते ही हैं, भाषण पे ही तो उनका पूरा सरकार चल रहा है, जो इतने अच्छे अच्छे भाषण देते हैं लेकिन उसके विपरीत काम करते हैं, जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, जो नहीं कहते वही करते हैं। आप यूपी से आते हैं? जी बिल्कुल, यूपी से, वहाँ तो राम राज्य है ना? हाँ, यूपी से, और मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से, मैं वाराणसी से हूँ। जी, अब आप क्योटो बनाने की बात करते, आप बनारस आकर एक बार देख लीजिए, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ बनारस बनाने के लिए। अरे भाई, बनारस क्योटो क्या बना, बनारस धर्म की नगरी है, वहाँ विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाए, जो बेचारे भक्त जाके फ्री में विश्वनाथ जी का दर्शन करते, 200-250 रुपया लग रहा है, धर्म को इन्होंने धंधा बना दिया। तो आप किस तरीके का हिंदुस्तान चाहते हैं, किस तरीके का भारत चाहते हैं? वो जो चाहते वो कर रहे हैं, और जो बीजेपी की बात, आपने आरएसएस का नाम लिया और मोहन भागवत जी का जिक्र किया, आखिर मोहन भागवत या आरएसएस क्या चाहती है? देखिए मनुस्मृति आप जानते ही हैं, जब आरएसएस 1925 में आरएसएस का गठन हुआ, अब 2025 आने वाला 100 साल का पूरा होने जा रहा है, ये जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं इसकी शुरुआत 2025 की, 2024 में लोकसभा चुनाव है, अब इसके बाद उनको जो करना होगा वो कर देंगे, किसी नहीं, चाहे संविधान बदल दे, चाहे हिंदू राष्ट्र के नाम पे चुनाव लड़के, भाई एक तरीके से कही रहे कि हिंदू राष्ट्र कह रहे संविधान नहीं बदलने देंगे, मर सकते हैं, मार सकते हैं। देखिए एक चीज आपको बता दें कि बात तो सही है कि संविधान तो बदलने नहीं देंगे, लेकिन इनके पास पूरी पावर है, आज लोग डरे सहमे हैं, लोगों को जो बोल रहा है उसको जेलों में डाल, जनता से बड़ी पावर नहीं है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब जनता इस बात को जिस दिन समझ जाएगी, अभी तो समझ रहे हैं ना, जिस दिन बात को समझ गई तब ये सरकार में नहीं रहेंगे, 2024 के चुनाव में ये बोल के आए, बोल लेंगे हम संविधान बदलेंगे, लेकिन नेता तो बोलते हैं। अरे भाई ये तो ऐसे ही लोगों को रखे हुए है ना, ये ऐसे ही लोगों को रखे हुए, ऐसे ही लोगों को मंत्री बनाए हुए, कनाप सनाप बोलते रहे, कोई उनका खंडन करता रहे। आप जानते हैं इस देश में जब पिछड़ों दलितों की बड़ी लड़ाई की जब शुरुआत होती रही है, तब तब नया एजेंडा इस देश में लाया गया है, चाहे आप देख लीजिएगा इतिहास उठा के, जब जब बड़े बदलाव की बात। सरकार में सबसे ज्यादा पीड़ित कौन? इस सरकार में सबसे ज्यादा पीड़ित किसान है, मजदूर है,
यहाँ तक जब तो सरकारी नौकरी वाले भी परेशान है, 50 साल का इन्होंने कह दिया है कि 50 साल के बाद या तो आप छोड़ के चले जाते तो निकाल दिया जाएगा। तो अब तो सरकारी नौकरियों पर भी खतरा है, अब सरकारी नौकरी भी नहीं बचेगी, सब प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं। तो संविधान जो है, अगर संविधान है तो संविधान के तहत भी काम करना चाहिए ना, संविधान के दायरे से बाहर जाके काम कर रहे हैं, संविधान को बदल रहे हैं, तब फिर इस देश में। मोदी जी कहते हैं संविधान की वजह से मैं प्रधानमंत्री बन पाया। भाई वो तो कहते थे कि एक चाय बेचने वाला जो प्रधानमंत्री बना संविधान की देन है, तो इसको भी स्वीकार करते हैं। वो मन की बात तो करते हैं, वो मन की बात तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन लोगों की बात नहीं करते हैं, किसानों की बात नहीं करते हैं, मजदूरों की बात नहीं करते हैं। अगर आपको इतना इस देश के लोगों की चिंता, इस देश में 70% किसान हैं, और किसान जब यही दिल्ली में जब धरना दे रहे थे तो लाठियां किसने चलवाया? तो आप समझिए बात को, जिनका जो एजेंडा चलाने का जो तरीका है, अगर जिसका ये नाम लिए अपने मुख से, उसका पतन होना निश्चित है। आरएसएस के एजेंडे पे सरकार चल रही है। बिल्कुल आरएसएस के एजेंडे पे सरकार चल रही है। भाई जब संविधान बदला जा रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है, तो हिंदू राष्ट्र का सपना किसका था? हिंदू राष्ट्र का सरकार थोड़ा ही करी है, तो दो चार संत स्वामी लोग जिस टाइप का वो नहीं नहीं संत स्वामी की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। हिंदू राष्ट्र का सपना किसका था? आरएसएस का था कि नहीं था? तो अगर बीजेपी ये बात को कह रही है, सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं, तो एजेंडा किसका चला रहे हैं? आरएसएस का तो एजेंडा चला रहे हैं कि दूसरे का एजेंडा चला रहे हैं? पर आरएसएस तो कहती है हम राष्ट्रहित में काम करते हैं, राष्ट्रहित का संगठन। अरे भाई राष्ट्रहित का भाई राष्ट्रहित तो होना चाहिए, राष्ट्र सर्वोपरि है, लेकिन राष्ट्रहित में अगर धर्म की बात आएगी, पर्टिकुलर किसी धर्म की बात आएगी, तो निश्चित तौर पर बाकी धर्मों के साथ तो धोखा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मोहन भागवत कह रहे हैं सबका डीएनए है, अब तो उनको कहना होगा। इसलिए कि जब इस देश में एक नया नैरेटिव चल रहा है मवन मिश्राम का, तो मूल निवासी और संविधान में जो विदेशी हैं उनको यहाँ अधिकार नहीं मिलना चाहिए, तब तो उनको कहना पड़ेगा, और मजबूरी में कह रहे हैं कि डीएनए सबका एक है। आप मूल निवासी हैं, आप नहीं हैं? नहीं, हम मूल निवासी हैं, बिल्कुल मूल निवासी हैं। आप कहा जा रहा मूल निवासियों के हक अधिकार ज़्यादा मारे जा रहे हैं? भाई शुरू से ही, चाहे जब चाहे अंग्रेजों का समय रहा हो या उसके बाद का भी समय रहा हो, तो इस देश में सबसे ज़्यादा कौन सताए गए? जो यहाँ के मूल निवासी थे, जो यहाँ के सभी संसाधनों पे कब्जा थे, और आज उनको रोड पे लाके खड़ा कर दिया गया लगभग 200-300। आप लोगों की राजनीति तो कमजोर है। देखिए राजनीति, देखिए ये तो चुनाव है, आता जाता रहता है, सत्ताएं आती जाती रहती हैं, लेकिन जो मूल अधिकार है, जो हक की बात होती है, वो सदियों से लोग लड़ते रहे हैं और लड़ेंगे, और लड़ के उन्होंने अधिकार पाया है। गोरे अंग्रेज तो चले गए, किस दिशा में जा रहे हैं अपना देश? देखिए ये देश जो है बहुत ही विकट स्थितियों में हमारा देश चल रहा है, कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, कब कौन सा सरकार निर्णय ले ले, बड़ा फैसला ले ले, कहा नहीं जा सकता, और ये फैसला इनको 2024 के पहले लेना ही लेना है, आप मान के चलिए। क्या फैसला लेंगे? अब देखिए, अब उनके एजेंडे को तो मैं नहीं बता सकता, उनका एजेंडा तो ऐसा रहता है कि जैसे कि कहते ना कि जादू की छड़ी निकाले घुमा दिए, एजेंडा चल गया उनका। भाई इस देश के पूंजीपति कॉर्पोरेट घराने उनके हैं, वो जो चाहेंगे वही इस देश में होगा। भाई हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपए लोगों का माफ किए, अपने मित्रों का, मेहुल चौकसी से लेके बाकी लोग भाग गए, ठीक है, और 1000 रुपए का नोट बंद करके 2000 ला दिए, अब 2000 का नोट नहीं दिख रहा है, कह रहे थे कि कालाधन खत्म करेंगे, तो अपने लोगों को और उन्होंने मौका दे दिया कालाधन रखने का। तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और वास्तव में जिस तरीके से, जिस परिस्थितियों से उठ करके यहाँ आए थे, अगर उनकी चिंता होती, एक तो जानते फोटो भी, फोटो खिंचाने में माहिर हैं, उनको फोटो से बड़ा प्यार है, तो कहते हैं कि मैं तो इनके गांव भी गया था, मोदी जी के जी वार्ड नगर इनका गुजरात में, वहाँ भी गया था। अगर वहाँ उनके गांव की हालत आप देख लेते, मैं 2018 में गया था, कि वहाँ पानी पैकेट में मिलता था। देखिए अमृत महोत्सव ये बीजेपी मना रही है, ठीक है, और ऐसा नहीं कि ये देश जो आज़ाद हुआ है, आज आज़ाद हुआ है, कल 15 तारीख को अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, और ये देश में देशभक्ति सबके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, और ये कौन मना रहा
रहा है आप जानते ही हैं, जो इस देश के झंडे को नहीं मानते, इस देश के संविधान को नहीं मानते हैं, वो आज अमृत महोत्सव मना रहे हैं। बीजेपी झंडे को नहीं मानते? बीजेपी क्या है? आरएसएस, जो आरएसएस है, आरएसएस क्या है? आरएसएस है तब बीजेपी है, बीजेपी से तो आरएसएस है नहीं। तो इस देश को कौन चला रहा है? इस देश को तो मोहन भागवत चला रहे हैं। मोहन भागवत? बिल्कुल। तो उन्होंने तो तिरंगा नहीं बदला अपने तो अब नहीं बदलेंगे, वो नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे? इसलिए मैं कह रहा था कोई चला रहे। आपको याद होगा जब राम मंदिर का न्यू पढ़ रहा था तो वहाँ इस देश का जो संवैधानिक पदों पर बैठा हुआ प्रधानमंत्री, वहाँ उनको बैठा के वहाँ पे न्यू डलवा रहा है, और संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति किसी धर्म किसी मतलब व्यक्तिगत धर्म के नाम पे वो उसको नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों ने किया। करना तो बहुत कुछ नहीं चाहिए ना, फिर भी हो रहा है ना। तो आप जानते हैं ना इस देश में संविधान नाम का चीज कहाँ बचा हुआ है भाई? इस देश में संविधान जो है, संविधान का शपथ लेकर के प्रधानमंत्री बने और जितने भी कामें कर रहे हैं ये संविधान के विपरीत कर रहे हैं। ये तो संविधान को ही बदलना चाह रहे हैं, और ये तो हिंदू राष्ट्र भी घोषित कर रहे हैं कि हम अगले चुनाव 2024 में हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। पर मोदी जी सबके विकास की बात कर रहे हैं। अरे भाई, तो 2014 में तो विकास का ही नारा लेके आए थे। बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार की मार, बहुत हुआ डीजल पेट्रोल की महंगाई की मार, और जस्ट उसका उल्टा किए। नहीं नहीं, आप हिंदू राष्ट्र के जो कुछ लोग कह रहे हैं तो पॉसिबल थोड़ा ही है हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र क्यों बनेगा? ये लोकतांत्रिक देश है, ये सभी धर्मों का देश है। इस देश को आज़ाद कराने में सभी धर्मों के लोगों ने कुर्बानियाँ दी है, तो क्यों हिंदू राष्ट्र बनेगा? हम भारतीय हैं, हम हिंदू नहीं हैं, हमें मानते हैं, हम गर्व से कहते हैं हम भारतीय हैं। फिर ऐसी बातें क्यों चलाई जा रही हैं? देखिए आप जानते इस बात को कि इसी सरकार के लोगों ने संविधान को भी जलाया था, और आज जो अपने हक के लिए लड़ रहा है उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हो रहा है। जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, जिन लोगों ने अपने हक अधिकार के लिए लड़े, जो कानून लड़के बनवाए उसको ये ख़त्म कर रहे हैं और नए कानून ये ला रहे हैं। तो मोदी जी भी तो देश सेवा ही कर रहे हैं ना? अरे भाई, तो मैं कहाँ कर रहा हूँ कुछ देश सेवा नहीं कर रहे हैं। देश सेवा कर रहे हैं, लेकिन देश सेवा करने में वो किन किन का सेवा कर रहे हैं, किन के विकास के लिए काम कर रहे हैं, ये भी तो देखना होगा। अरे भाई, देश के सरकारी संस्थाओं को उन्होंने बेचा, पीएसएनएल से लेकर के बेल सेल कोल सब इन लोगों ने नुकसान में जा रहे हैं ना सर। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर कहीं आप घर के मुखिया हैं और आप किसी मकान को बनाए और आपका बेटा उस मकान को अगर कहीं उसको रंग रोगन भी नहीं करा पाता है तो क्या उसको बेच देगा? इस देश के जय लाख खामियां है सरकार में, पर वोट तो मिल रहा है ना। देखिए, लोकतंत्र में वोट की जीत होती है। इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकता कि वोट से ही लोग जीत के जा रहे हैं, लेकिन बोल के क्या जा रहे हैं? सवाल तो ये है, आदमी हमेशा धोखा खाता है, किसान मजदूर सदियों से धोखा खाते आए हैं। जब चुनाव होता है तो कह के जाते हैं कि आपको मैं अमीरों के लिए काम करूंगा। जो इनका एजेंडा होता है, चुनावी एजेंडा, किसान मजदूर नौजवान, इन्हीं के लिए होता है ना। और जब किसान सड़कों पर अपना हक मांगता है वोट देने के बाद, जब ये नहीं करते हैं तो उन पर लाठियां बरसाते हैं। जब नौजवान रोजगार मांगता है तो आप लाठियां बरसाते हैं, और जब वो कांवड़ में जब जाता है तो आप फूल वर्षा करते हैं। तो चाहते हैं कि आप अपना हक मत मांगो, आप धर्म के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे मूक दर्शक बन के बने रहो। सरकारों के काम होते हैं कि धर्म के काम में ज्यादा अच्छे? देखिए धर्म अलग चीज है, राष्ट्र अलग चीज है। सरकार क्यों बोल रही है? सरकार इसलिए उससे उसे वोट मिल रहा है, फूट डालो शासन करो, ये तो कह रही है सरकार ना। क्या आप हिंदू हो? हम हिंदू के लिए काम कर रहे हैं इस देश में। क्या मुसलमानों का जो अधिकार है ये सरकार खत्म कर देगी? ये तो हम लोगों को समझना है, हम लोगों को समझाना है ना कि जो फूट की राजनीति, जो धर्म की लड़ाई है, डर कौन फैला रहा है? बीजेपी फैला रही है। जब आप सरकार में रहते हो, जब एक धर्म की बात करेंगे तो निश्चित तौर पे एजेंडा आपका है ना। बीजेपी बड़े बड़े कदम उठाती है। देखिए, एक एसटी राष्ट्रपति बना दिया उन्होंने, एक नीचे स्तर से उठाकर लाए राष्ट्रपति। इसके पहले राष्ट्रपति कौन थे? वो दलित नहीं थे? अभी तो बीजेपी।